नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार की हमने बहुत सारे वीडियोज DRDO एंड UPPCL नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ऐड कर दिए हैं। लगभग 12 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने DRDO UPPCL TG2 के लिए इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, यानी कि 6 टॉपिक से हमने वीडियोज अपलोड किए हैं। यदि हम DRDO सेप्टम 10 के मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करें तो ये तीसरा पार्ट रहने वाला है, जरूर देखिए। यदि आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी DRDO प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मिलने वाले सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर बेस्ड हैं। हमने पुराने पेपर्स देखे हैं, UPRVNL, UPPCL TG2 और जितने भी एग्जाम होते हैं ITI बेस्ड, उनमें रीजनिंग और मैथ किस लेवल की पूछी जाती है, इस पर हमने ये वीडियोज बनाई हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमने वेबसाइट पर रेगुलर क्विज डाली है, आप वहां से क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है इंग्लिश का, जिसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इस प्रकार की क्वेश्चन टेंस टॉपिक से लिए जाते हैं, और इसमें आपको सेंटेंस पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, वेन और वाइल जहां भी आपको दिखे तो समझना है। वर्ब की दूसरी फॉर्म यदि आपको सेंटेंस में दे रखी है तो आपको वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है, जिसे हम ING फॉर्म कहते हैं। यदि आपको वाज वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म कहीं दे रखी है तो आप दूसरी फॉर्म लगाएंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है वेन और वाइल का। अब इस कॉन्सेप्ट को हम करते हैं पूरा। इसमें आपको क्या दे रखा है, वाइल अविका ब्लैंक दे रखा है द प्लांट्स इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ आप नोट करेंगे क्या दे रखा है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो आपको क्या करना है, वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है। चौथी फॉर्म होती है ING वाली फॉर्म। तो आप देखेंगे ING वाली फॉर्म दो ऑप्शन में दे रखी है, ये तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि ING फॉर्म नहीं है। अब अविका आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा वाज आता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि अविका की तरह कोई प्लूरल होता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की जगह आई तो पास्ट में वाज के साथ यूज होता है, लेकिन दे, वी इस प्रकार से कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वर्ब की तरफ जाते। अभी आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट मैं इंग्लिश की वीडियोज बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है रीजनिंग का, जिसमें कहा गया है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो ये आपको आकृति का पैटर्न तय करना है कौन सा होगा। यहाँ यदि आप देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो एरो है इसे उलट दिया है या फिर पलट दिया है। जो ऊपर था इस प्रकार से पहले में दे रखा है, फिर अगले में क्या किया, इसका ऑपोजिट कर दिया है, यानी कि पहला नीचे की तरफ है और दूसरा ऊपर की तरफ है। तो यही आपको करना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पहले वाला ऊपर है वो नीचे कर दीजिए और जो नीचे है वो ऊपर कर दीजिए, बस इतना अंतर इसमें करना है। तो ये तो सेम आकृति प्रश्न वाली है, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें एरो को सीधा कर दिया, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी सीधा कर दिया, तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको एकदम करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो एरो है इसे पलट दिया, जो ऊपर जा रहा था उसे नीचे कर दिया है, जो नीचे आ रहा था उसे ऊपर कर दिया, बस इतना किया है, और इसकी आकृति को एकदम पैटर्न चेंज किया, जो पहले में किया है वही इसे यहाँ आपको करना है। इस प्रकार से आप इजीली रीजनिंग के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है,
एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पीपल डो नोट टेक द लॉ सीरियसली। तो यहाँ आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। जब भी हम पैसिव की बात करते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे पहले सब्जेक्ट बनाना होता है, फिर आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आपने टेंस में सीखी है वो यूज करनी है, उसके बाद आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है, फिर आपको बाई लगाना है और जो सब्जेक्ट में दे रखा है उसे बाई के बाद लिखना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो द लो है, तो द लो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द लो आपके सबसे पहले आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन होगा नहीं, इन तीनों में से आपका आंसर होगा। द लो के बाद आपकी वर्ब आएगी, ये डू नॉट दे रखा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसमें जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इज आर एम वाली होगी, और द लो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद यदि बात करें तो तीसरी फॉर्म आएगी डू नोट, इज नोट के बाद तीसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है लेकिन इसमें बींग लगाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो यहाँ आप इजीली कर पाएंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कि आप कहेंगे चौथा आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप एक एक बारी किसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आंसर की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ आपको कहा गया है रेनू हैज बीन कॉल्ड, ये आप समझ गए होंगे हैज बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, यानी कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। यदि हैज के बाद तीसरी फॉर्म आती तो हम समझ लेते कि किसी न किसी टेंस का परफेक्ट है, लेकिन आपको कहा गया है हैज बीन कॉल्ड, यानी कि पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तो बाई आएगा, पैसिव में सब जो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट उससे पहले बाई आता है, और बाई आपके ऑप्शन नंबर चार में दे रखा है। बस हो गया आपका आंसर, रेनू हैज बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बाई ए लॉ फर्म, यानी कि एक न्याय फर्म द्वारा उसे बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इजीली इसका आंसर मिल जाएगा यदि ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से चेक करते चलेंगे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है दीवार पर एक लगी घड़ी है या घड़ी लगी है जिसमें 5:45 का समय दर्शा रही है, यानी कि घड़ी लगी है और उसमें टाइम बताया जा रहा है आपको 5:45। समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या नजर आएगा या फिर क्या समय नजर आएगा। तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, आपको 11:60 में से ये समय जो दे रखा होता है वो माइनस कर देना है। 11:60 को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 12 बजे। तो आपको इजीली लिखना है 11:60 में से, यानी कि 11:60 में से आपको ये जो घड़ी का जो भी टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में 5:45 है, हो सकता है एग्जाम में आपके टाइम चेंज कर दे, तो वो आपको इजीली माइनस कर देना है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 60 में से 45 गई आपके 15 मिनट और 11 में से आपके 7 गई तो आपके 6। तो आप इजीली कह सकते हैं कि आपकी जो समतल दर्पण में टाइम होगा वो 6:15 बताया जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार के रीजनिंग में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, या मैं नियम लिख देता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास नियम ये कहता है कि ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ये आप छोड़िए, ओब्लिक और आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ये लास्ट वाले चार जो है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है आपके कोई भी संख्या लंबी दे रखी है उसे आपको हल करने के लिए पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जोड़ना होता है और फिर घटाना होता है। तो पहले हम डिवाइड वाले चिन्ह की तरफ जाएंगे। इसमें लास्ट में डिवाइड वाला चिन्ह दे रखा है, यानी कि लास्ट वाली ये संख्या है, क्या 7 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। अगले में यहाँ दे रखा है डिवाइड का, यानी कि इसका मतलब है आपके, इजीली मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसका मतलब है कि जो 7 है और उसमें और 4 में आपको चेक करना है। यहाँ आप कैसे चेक करेंगे कि आपके जो 4 है और ये 7 है इनमें क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे जी नहीं, 4 7 को, यानी कि 7 4 को डिवाइड नहीं कर सकता।
अगला जो है ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें कहा गया है लास्ट में है, यानी कि लास्ट में हमने चेक कर लिया नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए ही लास्ट बचता है, यानी कि शेष जो ऑप्शन रहेगी वही आपका आंसर होता है। लेकिन इसे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 44 में पूरा पूरा 4 डिवाइड करता है? हाँ 11 बार करता है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 की 7 से 77, और उसमें 5 ऐड करने हैं, 77 में 5 आप ऐड कर दीजिए 82 आएगा, इजीली आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो यदि हम संविधान सभा की बात करें तो इसके अस्थायी सदस्य, यानी कि जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वह आपको मैं नोट करवा देता हूं, इसका पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अस्थायी जब भी आपको पूछे आपको लिखना है सच्चिदानंद सिन्हा, यदि आपको स्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपको करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आप शॉर्ट में लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में यदि देसी रियासतों की बात की जाए तो हैदराबाद था वो लास्ट तक जिद पर अड़ा रहा कि हम भारत में विलीन नहीं होंगे, हैदराबाद के शासक ने देसी रियासत थी हैदराबाद और संविधान सभा में यानी कि भारत के विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने मना कर दिया और वह संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद का विलय भारत में करवाया, तो ये यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, वैसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश के हमने सारे क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक है वहाँ से लिए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ही वांट्स टू डिस्कस, तो यहाँ आपने देखा है कि एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस देख के पकड़ लेना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। टू डिस्कस डेट शीट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, तो यदि आप देखते हैं तो करेक्ट जो लाइन बनती है वो है ही वांट्स टू डिस्कस द एग्जाम शीट फॉर द कमिंग एग्जाम, यानी कि दोनों में द आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा है कि यदि अमेरिका 1-7-3-4-6-5-1 है, इंडिया 6-8-9-6-1 है, तो आप कनाडा को किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो कनाडा को लिखने के लिए आपको चेक करना है कि क्या इस कनाडा की स्पेलिंग में CANADA आया है, वो इन दोनों स्पेलिंग में है, तो आप कह सकते हैं हाँ सी है अमेरिका की स्पेलिंग में, ए है इंडिया और अमेरिका दोनों की स्पेलिंग में, एन इंडिया में है, ए दोनों में है, डी आपके इंडिया में है, तो आपको सारा मिल जाएगा। तो इजीली यहाँ करने के लिए आपको क्या करना है, आप कहेंगे अमेरिका में एक है, एक पहले नंबर पर है तो उसकी जगह लिखा है एक, यानी कि ए की जगह एक लिखा है। सी की बात करें तो सी आपके अमेरिका में लास्ट से दो नंबर है, यहाँ लास्ट से दो नंबर आपके लिखा है 5, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। एन की जगह इंडिया में लिखा है 8, तो आप 8 लिखेंगे। फिर आपको कहा है कि ए ए की जगह आप एक लिखेंगे, डी आपके इंडिया में तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर 9 लिखा है, ए की जगह आप लिखेंगे 1, यानी कि इस प्रकार का ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 518191, तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे जो राइट आंसर रहने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन को किसी प्रकार से हल करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सारे वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है, पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा चुके हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, और यदि हम बात करें टेंस की तो फ्यूचर सिंपल टेंस ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, फ्यूचर के चारों टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन आपको दे रखा है माई मदर टू जयपुर टुमारो, टुमारो का मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस आते हैं क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग आएगी, या तो विल आएगी या आपकी सेल आएगी, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन कट हो गई, और ये गो होती है सिंपल प्रेजेंट की, तो विल सेल वाला ऑप्शन ही एक दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे कि माई मदर विल गो
टू जयपुर टुमारो। राइट आंसर यही रहेगा। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लगे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लाने में मैं भी जानता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और पुराने पेपर के पैटर्न को समझना पड़ता है, और YouTube पर इतनी मेहनत शायद ही कोई करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि चैनल ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। हम आपको इसी प्रकार की कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें।